नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः मैं हाजिर हूं आपके साथ। राजस्थान पुलिस की परीक्षाएं वर्तमान में चल रही हैं, फिलहाल वर्तमान समय में चल रही हैं। अक्सर मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछे गए हैं, अमूमन दिन में एक पारी में मुख्यमंत्री का प्रश्न पूछा जा रहा है। शुभाजी सर ने मेरे से बार बार आग्रह किया, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो छात्र हित में समर्पित भाव से काम करने वाला अगर कोई गुरुजन है तो वह है सुभाष जी। और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया इनके कहने पर। तो एक बार अपन मुख्यमंत्री है, इस मुख्यमंत्री के संदर्भ में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मुख्यमंत्री की देखिएगा बात करें तो मुख्यमंत्री है, ये मुख्यमंत्री का पद संविधान के आर्टिकल 163 से 167 तक है। ये जो मुख्यमंत्री है, इस मुख्यमंत्री के लिए संविधान का अनुच्छेद 163 क्या कहता है? अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्य कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं, इन शक्तियों का उपयोग मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद करेगी सिर्फ राज्यपाल की सहविवेकी शक्तियों को छोड़कर। यानी कि राज्यपाल की सहविवेकी शक्तियों को छोड़कर शेष शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद करेगी। यहां पर मुख्यमंत्री की योग्यता की बात करें तो वह राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, अगर नहीं है तो 6 महीने में सदस्यता प्राप्त कर ले। यह थोड़ी सी मतलब सामान्य परिचर्चा है जिनसे अक्सर प्रश्न नहीं आए हैं। अक्सर जो प्रश्न आए हैं वो राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल से आए हैं। तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, इन राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की अपन शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री की बात करें तो हीरालाल शास्त्री 7 अप्रैल 1949 को राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। 7 अप्रैल 1949 को राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। और हीरालाल शास्त्री 5 जनवरी 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। अब देखिएगा, इस कार्यकाल को 2 भागों में आप बांट सकते हैं। एक तो 7 अप्रैल 1949 से 26 जनवरी 1950 से पूर्व इनका पदनाम प्रधानमंत्री था, लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद इनका पदनाम है, ये पदनाम मुख्यमंत्री हुआ था। तो राजस्थान का पहला प्रधानमंत्री कहें चाहे पहला मुख्यमंत्री कहें, नाम किसका रहेगा? हीरालाल शास्त्री का। हीरालाल शास्त्री की बात करें तो हीरालाल शास्त्री हैं, ये राजस्थान की प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री में नाम किसका रहेगा? हीरालाल शास्त्री का। हीरालाल शास्त्री है, इनका संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? इनका संबंध जोबनेर जयपुर से है। जयपुर में स्थान है जोबनेर, जहां से इनका संबंध है। हीरालाल शास्त्री ने राजस्थान में एक व्यवस्था की शुरुआत की थी, संभागीय व्यवस्था। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत है, ये संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसने की? हीरालाल शास्त्री ने। जो हीरालाल शास्त्री है, इस हीरालाल शास्त्री ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। यहां से प्रश्न पूर्व का पूछा हुआ भी है कि प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र का संबंध किससे है? हीरालाल शास्त्री से। हीरालाल शास्त्री की जो पत्नी है वो रत्ना शास्त्री। रत्ना शास्त्री ने निवाई टोंक में, कहां पर है? निवाई टोंक में जीवन कुटीर विद्यालय की स्थापना की थी। और इस जीवन कुटीर विद्यालय के सह संस्थापक कौन है? हीरालाल शास्त्री। इस जीवन कुटीर विद्यालय को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? वर्तमान में इसे वनस्थली विद्यापीठ विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। वर्तमान में जीवन कुटीर विद्यालय को किस नाम से जानते हैं? वनस्थली विद्यापीठ विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। तो यहां पर देखिएगा, राजस्थान का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, जिनका संबंध जोबनेर जयपुर से है। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत भी हीरालाल शास्त्री ने की। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र का संबंध भी कहां से था?
हीरालाल शास्त्री से ही था, सॉरी, इनकी पत्नी रत्ना शास्त्री, जिन्होंने निवाई टोंक में जीवन कुटीर विद्यालय की स्थापना की और वर्तमान में इसे वन स्थली विद्यापीठ विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। यहां पर देखिएगा, हीरालाल शास्त्री के लिए एक प्रश्न और बनता है, वो यह है कि हीरालाल शास्त्री संविधान सभा में राजस्थान में कहां से प्रतिनिधि थे। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के जयपुर से संविधान सभा में नेतृत्व कर रहे थे। हीरालाल शास्त्री के बाद दूसरा नाम आता है सीएस वेंकटाचारी। सीएस वेंकटाचारी की अपन बात करें तो सीएस वेंकटाचारी है, ये सीएस वेंकटाचारी 5 जनवरी 1951 से 26 अप्रैल 1951 तक रहे, वैसे 25 अप्रैल तक ही रहे थे ये वास्तविक, तो 25 अप्रैल 1951 तक ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। यहां पर सीएस वेंकटाचारी की बात करें तो सीएस वेंकटाचारी राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे। राजस्थान का दूसरा मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है जी? सीएस वेंकटाचारी। सीएस वेंकटाचारी का संबंध राजस्थान से नहीं है, ये तो राजस्थान की जोधपुर रियासत में आईसीएस अधिकारी थे। देखो, आज अपने जैसे आईएएस होता है, वैसे अंग्रेजों के समय एक सेवा थी आईसीएस, और ये जोधपुर रियासत में आईसीएस अधिकारी थे। इनकी नियुक्ति है ये केंद्र सरकार द्वारा की गई थी, लेकिन राजस्थान का प्रथम गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसको मिला था जी? सीएस वेंकटाचारी को। सीएस वेंकटाचारी के बाद तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया जाता है जय नारायण व्यास को। जय नारायण व्यास की बात करें तो अप्रैल 1951 से मार्च 1952 तक जय नारायण व्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में। यहां पर जय नारायण व्यास हैं, ये राजस्थान के कौन से मनोनीत मुख्यमंत्री थे? तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे। देखो, राजस्थान में तीन मनोनीत मुख्यमंत्री बने हैं, पहला बना था हीरालाल शास्त्री, दूसरा बना सीएस वेंकटाचारी और तीसरा बना जय नारायण व्यास। यहां पर प्रथम वाले अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रथम कौन था? तो प्रथम कौन था जी? मनोनीत मुख्यमंत्री था हीरालाल शास्त्री। प्रथम गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री कौन है? सीएस वेंकटाचारी। इसके बाद आगे राजस्थान के जो निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, वो निर्वाचित मुख्यमंत्री शुरू होते हैं। निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करें तो देखिएगा, सबसे पहला नाम आता है टीकाराम पालीवाल का। टीकाराम पालीवाल की बात करें तो टीकाराम पालीवाल 3 मार्च 1952 को राजस्थान का पहला लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री बना था। टीकाराम पालीवाल 3 मार्च 1952 को राजस्थान का प्रथम लोकतांत्रिक, या यूं कहें कि राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था जी? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल अक्टूबर 1952 तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा, लेकिन टीकाराम पालीवाल ने क्या कर दिया, अक्टूबर 1952 में यानी लास्ट अक्टूबर में इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। तो राजस्थान में त्यागपत्र देने वाला प्रथम मुख्यमंत्री कौन है जी? टीकाराम पालीवाल। जब टीकाराम पालीवाल ने त्यागपत्र दिया तो इनके स्थान पे मुख्यमंत्री बनाया गया किसको? जय नारायण व्यास को। देखो, जय नारायण व्यास की बात करें तो अब दिमाग में यह आया होगा, यार जय नारायण व्यास तो पहले ही था, टीकाराम पालीवाल को बीच में बना दिया, ज्यादा लंबे समय नहीं रहा बेचारा, मार्च से अक्टूबर तक ही रहा। यहां जय नारायण व्यास की बात करें तो प्रथम विधानसभा में इन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा, लेकिन इनका दुर्भाग्य यह था दोनों जगह से ही हार गया। अब जिस जनप्रतिनिधि ने 2 जगह से चुनाव लड़े हो, जनता ने वहां उसे स्वीकार नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री तो कैसे बनाया जाए। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन फिर भी जय नारायण व्यास की जगह मुख्यमंत्री बनाया गया उस समय टीकाराम पालीवाल को, लेकिन बाद में उन्होंने क्या दे दिया? त्यागपत्र।
जयनारायण व्यास 1952 से 1954 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। जयनारायण व्यास ने प्रथम विधानसभा में दो जगह से चुनाव लड़ा था। प्रथम विधानसभा में कितनी जगह से? दो जगह से चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों जगह से ही चुनाव हार गया। तत्पश्चात ये किशनगढ़ विधानसभा सीट से उपचुनाव जीत कर आया था। जयनारायण व्यास राजस्थान का एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री है जो मनोनीत व निर्वाचित दोनों रहा। मनोनीत व निर्वाचित दोनों मुख्यमंत्री कौन रहा? जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास ने प्रथम विधानसभा के समय दो जगह से चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों जगह से चुनाव हार गया। तत्पश्चात ये किशनगढ़ विधानसभा सीट से उपचुनाव जीत कर आया। देखो, प्रथम विधानसभा राजस्थान में वह विधानसभा थी, हालांकि यहां से पटवारी में प्रश्न भी आया था, प्रथम विधानसभा का कार्यकाल 1952 से 1957। प्रथम विधानसभा में राजस्थान इतिहास के सबसे ज्यादा उपचुनाव हुए थे। प्रथम विधानसभा में 17 उपचुनाव हुए थे। यहां पर तीसरा मुख्यमंत्री है, ये तीसरा मुख्यमंत्री बनता है मोहनलाल सुखाड़िया। देखो, 1954 में जयनारायण व्यास की सरकार गिर गई और मुख्यमंत्री बना कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया की बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया है ये कब से कब तक रहे? मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से 1971 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। मोहनलाल सुखाड़िया की अपन बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया का संबंध है ये कहां से है? मोहनलाल सुखाड़िया का संबंध नाथ द्वारा से है। कहां से है? नाथ द्वारा से है मोहनलाल सुखाड़िया का संबंध। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं और लगभग 38 वर्ष की आयु में ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से 1971 तक रहे तो राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल है, ये सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका है? मोहनलाल सुखाड़िया का। ये लगभग 17 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। इस 17 वर्ष की अवधि के दौरान ये 4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। देखो, सबसे पहले तो ये 1954 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, लेकिन दूसरी बार 1957 में दूसरी विधानसभा के गठन के समय, तीसरी बार 1962 में और चौथी बार 1967 में, ये कुल मिलाकर 4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, 1954, 1957, 1962 और 1967। मोहनलाल सुखाड़िया के समय 1967 में, यानी उस समय विधानसभा के चुनाव हुए थे, चौथी विधानसभा के। चौथी विधानसभा में हुआ क्या कि चुनाव के समय खंडित जनादेश, देखो खंडित जनादेश का मतलब है किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलना, खंडित जनादेश मिला, राज्य में सरकार का गठन नहीं हो पाया। तो ऐसी स्थिति में इस चौथी विधानसभा के समय 13 मार्च 1967 को राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। 13 मार्च 1967 विधानसभा कौन सी थी? चौथी विधानसभा थी। इस समय राजस्थान के जो राज्यपाल थे वो राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद। यहां पर न्यूनतम समय राजस्थान में लगभग 45 दिन तक राष्ट्रपति शासन रहा। कुल राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा, जिनमें सबसे कम चौथी विधानसभा के समय ही लगा था। मोहनलाल सुखाड़िया है, इस मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 में राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है, इस संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था शुरू तो की थी हीरालाल शास्त्री ने, लेकिन समाप्त किसने कर दी? मोहनलाल सुखाड़िया ने। मोहनलाल सुखाड़िया है ये राजस्थान में विधवा विवाह का समर्थक था।
तो राजस्थान में वह मुख्यमंत्री जो विधवा विवाह का समर्थक है कौन है जी, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया ने विधवा विवाह पर बल देते हुए स्वयं ने भी एक विधवा महिला से विवाह किया था और आज भी समाज में बहुत से युवा मोहनलाल सुखाड़िया बनने को तैयार बैठे हैं, बस एक बार कोई हां कहे। इसके बाद आगे अपन बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया है, इस मोहनलाल सुखाड़िया के समय 1967 में इसी चौथी विधानसभा के समय संसदीय सचिव का पद सर्जित किया गया था 1967 में पहली बार। मोहनलाल सुखाड़िया के समय इनके मंत्रिमंडल में 1954 में पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल, राजस्थान में पहली महिला मंत्री कौन थी, कमला बेनीवाल थी। देखो कमला बेनीवाल रहने वाली तो झुंझुनू की थी, यानी निवासी तो थी झुंझुनू की, लेकिन वास्तव में ये निर्वाचित हुई थी विधानसभा में विराट नगर जयपुर से। पहली महिला मंत्री राजस्थान में तो कौन थी, कमला बेनीवाल, लेकिन राजस्थान विधानसभा में पहली महिला विधायक कौन थी, पहली महिला विधायक थी यशोदा देवी, जो बांसवाड़ा जिले से निर्वाचित हुई थी प्रजा समाजवादी पार्टी से। मोहनलाल सुखाड़िया के बाद राजस्थान में मुख्यमंत्री बनते हैं बरकतुल्ला खां, 1971 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं बरकतुल्ला खां। बरकतुल्ला खां 1971 में बने और कब तक रहे, 1973 तक रहे। देखो बरकतुल्ला खां है, ये बरकतुल्ला खां का संबंध तो राजस्थान के किस जिले से है, इनका संबंध राजस्थान की जोधपुर जिले से है। यहां पर बरकतुल्ला खां की अगर अपन बात करें तो राजस्थान में प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे, राजस्थान में प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे बरकतुल्ला खां। 11 अक्टूबर 1973 को बरकतुल्ला खां की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री जिसकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी, नाम किसका आता है, बरकतुल्ला खां का। बरकतुल्ला खां की 1973 में मृत्यु हो गई तो ऐसी स्थिति में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हरदेव जोशी। देखो इसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं हरदेव जोशी। हरदेव जोशी 1973 से स्वतंत्र तक रहे, 1973 से कब तक रहे, स्वतंत्र तक। फिर 1985 से 1988 तक रहे, 88 से 89 तक शिवचरण माथुर आ गए थे और 1989 से 90 तक वापस कौन बने थे, हरदेव जोशी। हरदेव जोशी है, ये हरदेव जोशी 3 राजस्थान का मुख्यमंत्री बना, 3 राजस्थान का मुख्यमंत्री बना, लेकिन दुर्भाग्य इतना था कि 3 में ही कार्यकाल पूरा नहीं किया। 3 मुख्यमंत्री तो बना लेकिन 3 ही कार्यकाल पूरे नहीं किए। भाई यहां तो बरकतुल्ला खां की मृत्यु के बाद यहां पर 1988 में सरकार चली गई, फिर 1989 में पुनः बनाया लेकिन 1 तक ही ये रह पाए। यहां पर हरदेव जोशी की बात करें तो हरदेव जोशी प्रथम विधानसभा से लेकर 10वीं विधानसभा तक, प्रथम विधानसभा से लेकर 10वीं विधानसभा तक लगातार 10 विधायक रहे। ये एकमात्र ऐसा उदाहरण है राजस्थान में जो पहली से लेकर 10वीं विधानसभा तक लगातार 10 विधायक रहे। हालांकि 10 तो भैरव सिंह शेखावत भी रहे थे लेकिन वो लगातार नहीं थे, क्योंकि 5वीं विधानसभा के समय भैरव सिंह शेखावत तो मध्य प्रदेश राज्य से राज्यसभा सदस्य थे, लेकिन लगातार रहने का रिकॉर्ड तो किसके नाम है, हरदेव जोशी के। हरदेव जोशी ने 1985 से 88 वाले कार्यकाल में 1987 में जो संभागीय व्यवस्था थी
इस संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया। तो संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है जी? हरदेव जोशी को। जबकि संभागीय व्यवस्था है ये शुरू किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने, मोहनलाल सुखाड़िया ने बंद कर दी, और पुनः शुरू किसने की है? हरदेव जोशी ने। हरदेव जोशी 10 बार विधायक रहे, इन 10 बार में देखिएगा ये 8 बार तो रहे बांसवाड़ा से, एक बार घाटोल से रहे और एक बार दुर्गापुर से, कुल मिलाकर ये 10 बार विधायक रहे थे लगातार। लेकिन इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा है? बांसवाड़ा जिले से ही रहा है। हरदेव जोशी के बाद 1977 में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री बनते हैं भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत की बात करें तो भैरों सिंह शेखावत 1977 से 1980 तक रहे। इसके अलावा भैरों सिंह शेखावत 1990 से 1992 तक रहे, और 1993 से 1998 तक ये 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। यानी कि हरदेव जोशी भी 3 बार बने और भैरों सिंह शेखावत भी 3 बार बने। लेकिन फर्क इतना है कि हरदेव जोशी ने तो एक भी कार्यकाल पूरा नहीं किया, जबकि भैरों सिंह शेखावत ने 3 बार में एक कार्यकाल पूरा किया 93 से 98। भैरों सिंह शेखावत के नेतृत्व में राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार किसके नेतृत्व में बनी? भैरों सिंह शेखावत के नेतृत्व में बनी। भैरों सिंह शेखावत के नेतृत्व में तो राजस्थान में 1977 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार, जबकि केंद्र में 1977 में ही मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थी। यहां पर देखिएगा भैरों सिंह शेखावत की बात करें तो भैरों सिंह शेखावत का संबंध राजस्थान के सीकर जिले के खाचरियावास से है। भैरों सिंह शेखावत है, इसे राजस्थान में अंत्योदय योजना का जनक कहा जाता है। तो राजस्थान में अंत्योदय योजना का जनक कौन है जी? भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत है, ये भैरों सिंह शेखावत भारत के 11वें उपराष्ट्रपति बने थे। भारत के 11वें उपराष्ट्रपति कौन बने थे? भैरों सिंह शेखावत। ये जब छठी विधानसभा के समय 1977 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, उस समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद ये छबड़ा से विधानसभा सीट है, छबड़ा जो वर्तमान में 12 जिले में पड़ती है, इस छबड़ा विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए थे भैरों सिंह शेखावत। यहां पर भैरों सिंह शेखावत है, इन्हें बाबूसा के नाम से भी मतलब पुकारा जाता है। भैरों सिंह शेखावत के नेतृत्व में पहली गैर कांग्रेसी सरकार छठवीं विधानसभा में बनी, और याद रखना राजस्थान में छठवीं विधानसभा में ही पहली बार 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे, और आज भी कितनी विधानसभा सीटें हैं? 200 हैं। तो पहली बार 200 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव कौन सी विधानसभा में हुए थे? छठी विधानसभा चुनाव 1977। उस समय सरकार किसने बनाई थी? भैरों सिंह शेखावत ने। अब भैरों सिंह शेखावत के बाद अगर अपन बात करें तो एक नाम आता है जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया की बात करें तो जगन्नाथ पहाड़िया 1980 से कब तक रहे? 81 तक रहे। यहां पर जगन्नाथ पहाड़िया है, ये राजस्थान में अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया। यहां पर देखिएगा मैंने एक शब्द बोला है अनुसूचित जाति। संविधान के भाग 10 अनुच्छेद 244 में अनुसूचित जाति और जनजाति को अलग अलग परिभाषित किया गया है।
अनुसूचित जाति की परिभाषा दी गई है कि वे जातियां जो उच्च वर्ग की मान्यता और रीति रिवाजों के कारण हाशिए पर दखल दी गई, जिसके कारण वो विकास की मुख्य दशा से वंचित रह गई, उन्हें तो श्रेणी में रखा गया है अनुसूचित जाति में। जबकि जनजाति किसको कहा गया है कि वे जातियां जो दुर्गम इलाकों में निवास करती थी और दुर्गम इलाकों में निवास करने के कारण विकास की मुख्य दशा से वंचित रह गई, यानी समाज की मुख्य धारा से वंचित रह गई, तो ऐसी स्थिति में उनको कहा गया है अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया का संबंध बयाना भरतपुर से है। जगन्नाथ पहाड़िया के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री बनते हैं शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर की बात करें तो ये 1981 से 1985। इसके अलावा शिवचरण माथुर 1988 से 1989, यानी दो बार ये मुख्यमंत्री बने थे। शिवचरण माथुर की देखिएगा, शिवचरण माथुर है, ये शिवचरण माथुर राजस्थान का दूसरा गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री है। हालांकि बाद में ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आ गया था। इनका जो जन्म है ये मध्य प्रदेश राज्य के गुना जिले में हुआ था। शिवचरण माथुर है, इस शिवचरण माथुर ने 21 फरवरी 1985 को अपने पद से नैतिकता के नाते त्यागपत्र दिया था। नैतिकता के नाते क्यों दिया? देखो, त्यागपत्र इसके पीछे भी एक घटना जुड़ी हुई है। वो घटना क्या थी कि 1985 में विधानसभा चुनाव चल रहे थे और विधानसभा चुनाव चल रहे थे 8वीं विधानसभा के। जब 8वीं विधानसभा के लिए चुनाव होने थे, उस समय चुनाव अभियान के दौरान भरतपुर में एक स्थान है डिग, वहां से निर्दलीय प्रत्याशी थे मान सिंह। उस मान सिंह की पुलिस गोली लगने के कारण मृत्यु हो गई थी। ऐसी स्थिति में नैतिकता के नाते त्यागपत्र दे दिया था शिवचरण माथुर ने। शिवचरण माथुर के बाद अगर अपन बात करें तो राजस्थान का मुख्यमंत्री है ये 89 से 90 तक हरदेव जोशी, जिसका अपन जिक्र कर चुके हैं। 90 से 92 तक भैरव सिंह शेखावत, जिसका भी जिक्र कर चुके हैं। लेकिन 92 से 93 के बीच का अपन ने जिक्र नहीं किया। देखो, 92 से 93 के पीछे भी एक घटना जुड़ी हुई है। वो घटना क्या थी कि देश में दिसंबर 1992 में एक घटना घटित होती है, 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या कांड, बाबरी मस्जिद कांड या अयोध्या कांड उत्तर प्रदेश में घटित होती है। उस घटना के कारण 15 दिसंबर 1992 को राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और भैरव सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। 4 दिसंबर 1993 तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन रहता है, सबसे लंबे समय तक। उस समय चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा था, विधानसभा थी 9वीं। तो 92 से 93 तक राष्ट्रपति शासन ही रहा था। 93 से लेकर 98 तक अपन जिक्र कर चुके हैं भैरव सिंह शेखावत का। भैरव सिंह शेखावत के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत की बात करें तो अशोक गहलोत हैं, ये कब से कब तक बने? अशोक गहलोत 1998 से 2003 तक रहे। इसके अलावा 2008 से 2013 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत। अशोक गहलोत की बात करें तो इनका संबंध है, ये राजस्थान के किस जिले से है? जोधपुर जिले से है। देखो, अशोक गहलोत को मारवाड़ का युवा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये कोई आधिकारिक नाम नहीं है। फिर भी मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना, मारवाड़ का युवा गांधी कहा गया है किसको? अशोक गहलोत को। इसके अलावा अशोक गहलोत की बात करें तो इन्होंने 26 जनवरी 1999 को सांगानेर विधानसभा सीट की मुहाना ग्राम पंचायत से, मुहाना ग्राम पंचायत से ग्राम सभा की शुरुआत की गई थी। तो राजस्थान में ग्राम सभा की शुरुआत कब हुई थी? 26 जनवरी 1999। ग्राम सभा के बारे में अपन विस्तृत
जो जानकारी है वो मैं पूर्व का जो वीडियो था पंचायती राज का उसमें दे चुका हूं। तो राजस्थान में ग्राम सभा की शुरुआत है ये 26 जनवरी 1999 को सांगानेर विधानसभा सीट के मुहाना ग्राम पंचायत से किसने की थी, अशोक गहलोत ने। अब देखिएगा अशोक गहलोत के समय 6 नवंबर 2001 को ज्योति नगर स्थित नए राजस्थान विधानसभा भवन का उद्घाटन किया गया था। राजस्थान विधानसभा भवन का उद्घाटन है, ये उद्घाटन 6 नवंबर 2001 को तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायण ने किया था। देखो के आर नारायण की बात करें तो भारत में प्रथम दलित राष्ट्रपति था के आर नारायण। के आर नारायण भारत का वह राष्ट्रपति था जिसने सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। के आर नारायण की बात करें तो 6 नवंबर 2001 को इसने ज्योति नगर स्थित नए राजस्थान विधानसभा भवन का उद्घाटन किया। देखो राजस्थान सरकार की बात करें तो यहां पूर्व में विधानसभा भवन सवाई मानसिंह टाउन हॉल में संचालित था। इस सवाई मानसिंह टाउन हॉल को वर्ष 2001 तक राजस्थान विधानसभा के नाम से जाना गया था। इस राजस्थान विधानसभा भवन के निर्माण की बात करें तो इसमें करौली, बसी, पहाड़पुर और जोधपुर के इमारती पत्थरों को काम में लिया गया है। इस राजस्थान विधानसभा भवन के 4 प्रवेश द्वार हैं। इन 4 प्रवेश द्वारों की बात करें तो ये 4 प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं। देखो एक तो है पूर्वी प्रवेश द्वार, एक है पश्चिमी प्रवेश द्वार, एक है उत्तरी प्रवेश द्वार और एक है दक्षिणी प्रवेश द्वार। यानी राजस्थान विधानसभा भवन के प्रवेश द्वार कितने हैं? 4 प्रवेश द्वार जो 4 अलग अलग शैलियों में बने हुए हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। सबसे पहले अपन पूर्वी प्रवेश द्वार की बात करें तो यह पूर्वी प्रवेश द्वार किस शैली में बना हुआ है जी? शेखावाटी शैली में बना हुआ है। इसके अलावा पश्चिमी प्रवेश द्वार की बात करें तो पश्चिमी प्रवेश द्वार की शैली में बना हुआ है, मेवाड़ी शैली में बना हुआ है। उत्तरी प्रवेश द्वार की बात करें तो उत्तरी प्रवेश द्वार की शैली में बना हुआ है, जयपुरी शैली में बना हुआ है। याद रखना राजस्थान विधानसभा भवन का जो मुख्य प्रवेश द्वार है ये कौन सा है? उत्तरी प्रवेश द्वार है। दक्षिणी प्रवेश द्वार है ये मारवाड़ी शैली में बना हुआ है। यहां पर अशोक गहलोत के समय ही 2 अक्टूबर 2009 को पंचायती राज ने अपना स्वर्ण जयंती मनाया था। यह स्वर्ण जयंती के मौके पर देखो स्वर्ण जयंती 50 वर्ष पूरे होने पर आई थी कि 2 अक्टूबर 1959 को यह व्यवस्था शुरू हुई और 2 अक्टूबर 2009 को क्या आ गई? स्वर्ण जयंती। इस स्वर्ण जयंती समारोह में कुछ घोषणाएं हुई थी, उन घोषणाओं की बात करें तो एक घोषणा तो क्या हुई थी कि नरेगा का नामकरण किसके नाम पे हुआ था? महात्मा गांधी के नाम पे, जो शायद मैं पंचायती राज में भी जिक्र कर चुका हूं। दूसरा क्या था कि सूचना व प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए, सूचना व प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी सेवा केंद्र स्थापित किए गए थे जिसे वर्तमान में अटल सेवा केंद्र के नाम से जानते हैं। तो राजीव गांधी सेवा केंद्रों की स्थापना का उद्देश्य क्या था? सूचना व प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। तीसरी घोषणा क्या की गई कि जयपुर में नया इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान खोला गया। चौथी घोषणाएं क्या थी? चौथी घोषणा थी कि नागौर में जवाहरलाल नेहरू टाउन हॉल की स्थापना की जाएगी। नागौर में जवाहरलाल नेहरू टाउन हॉल की स्थापना। और पांचवी घोषणा क्या थी? पांचवी घोषणा थी कि नागौर के बगदरी ग्राम में स्थित चबूतरे को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। यहां राष्ट्रीय स्मारक की बात करें तो नागौर के बगदरी ग्राम में कौन सा था वो चबूतरा? देखिए वो चबूतरा वो था जहां 2 अक्टूबर 1959 को
2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दीप प्रज्वलित करके इस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था। यह था अशोक गहलोत का विवरण। अशोक गहलोत के बाद राजस्थान में मुख्यमंत्री में नाम आता है वसुंधरा राजे का। वसुंधरा राजे की बात करें तो वसुंधरा राजे कब से कब तक रही? एक तो रही 2003 से 2008 तक, दूसरी रही 2013 से अब तक। देखिए वसुंधरा राजे की बात करें तो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी जी? वसुंधरा राजे जो वर्तमान में भी है, ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन देश में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? देखो देश में पहली महिला मुख्यमंत्री सरोजनी नायडू बनी थी। सरोजनी नायडू मुख्यमंत्री नहीं थी, सॉरी पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू, वो भी उत्तर प्रदेश की थी। इसके अलावा पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, वो भी किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश राज्य की ही थी। राजस्थान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे। जबकि देश में पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की थी। राजस्थान में पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल और देश में पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। यहां पर देखिएगा वसुंधरा राजे की बात करें तो इनके जन्मदिन 8 मार्च को किस रूप में कौन सा दिवस आता है जी? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आता है। देखो ऐसा कोई इस वसुंधरा के जन्मदिन से कोई संबंध नहीं है, यह तो एक संयोग है। यहां से बीएसटीसी जब 2007 में पहली बार बीएसटीसी की परीक्षा लगी थी, उस समय एक प्रश्न आया था कि राजस्थान की वह मुख्यमंत्री जिसका जन्मदिन महिला दिवस के दिन आता है तो वह कौन है जी? वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे अभी दूसरा कार्यकाल चल रहा है। वसुंधरा राजे की अपन बात करें तो वसुंधरा राजे का जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है ये कौन सा है जी? झालरापाटन, जो किस जिले में है? झालावाड़ जिले में है। इसके अलावा ये पूर्व में 5 बार झालावाड़ जिले से, पूर्व में 5 बार झालावाड़ जिले से लोकसभा में निर्वाचित हुई थी। कौन? वसुंधरा राजे। धन्यवाद दोस्तों, ये थे राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनसे अक्सर कार्यकाल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहां पर देखिएगा आरपीएससी ने जब सेकंड ग्रेड की परीक्षा ली थी उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्रियों का एक तरफ कार्यकाल दे दिया, दूसरी तरफ उनको मुख्यमंत्रियों के नाम थे और उनको सुमिलित करवाया था। अभी राजस्थान पुलिस में बार बार देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री से संबंधित बहुत ज्यादा डीपली प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ये मुख्यमंत्रियों का विवरण आपको प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।